नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से संबंधित आज की करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी पर आधारित डाक टिकट जारी किया है? किस देश ने महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी किया तो किया है फिलिस्तान, ऑप्शन सी फिलिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी डाक उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जो डाक का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस राज्य में? तो हुआ है मुंबई में, ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में मुंबई में नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी डाक का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्लांट ऑफ प्लास्टिक अभियान शुरू हुआ है? तो किस राज्य में है यह? असम राज्य, ऑप्शन सी असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा पहल की शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अभी करंट में ही कुछ दिनों पहले ही मोदी जी अमेरिका में थे और वहाँ पे इस ऊर्जा का ये स्वच्छ ऊर्जा की पहल शुरू की है मोदी जी ने अमेरिका में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेसी नरसम का निधन हुआ है वो कौन थी? तो ये थी ओपोरो स्टार थी, ओपोरो स्टार थी, ऑप्शन सी ओपोरो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और हथकरघा वस्त्रों का फैशन शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया, ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत नीदरलैंड के संबंध पर पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किया है वीनु राजमोनी जी ने, ऑप्शन बी वीनु राजमोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया है? तो गोबर साबुन जो है उसका उद्घाटन जो किया है शुभारंभ वो नितिन कटघरी जी ने किया है, ऑप्शन सी नितिन कटघरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पूरी तरह विद्युतीकरण राज्य कौन सा बना है? हाल ही में देश का पूरा विद्युतीकरण राज्य तेलंगाना है, तेलंगाना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.3%, 6.3%, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की यात्रा, जो प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं? तो ये है बांग्लादेश के। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं? अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो ये हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, भारत आने वाले हैं। अभी कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 30 सितंबर को, ऑप्शन सी सही है। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम कल इसका जवाब बता देंगे। दोस्तों, डेली की करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।